दोस्तों, गेस्ट टीचर्स के जॉब सिक्योरिटी और श्योरिटी के लिए अदर स्टेट में पॉलिसियां बन रही हैं, लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य देखो, यहां आम आदमी पार्टी के राज में सरकार में गेस्ट टीचर्स की 7-8 साल से सैलरी तक नहीं बढ़ी है। इवन कई सारे गेस्ट टीचर साथी आज रिलीव होकर के घर बैठे हुए हैं, उन्हें जॉब से निकाल और दिया है। क्या आप उन्हीं गेस्ट टीचर्स में से हैं? क्या आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हिस्सा हैं? सैलरी बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हो? आपकी भी दिल्ली में पॉलिसी बनेगी क्या, इसी ताक में हो? क्या आपको भी लगता है कि जो साथी रिलीव हो चुके हैं वो दोबारा से जॉब में आएंगे? तो भैया, इन सभी सवालों का जवाब है, दिल्ली में वर्तमान समय में 16,000 फीमेल गेस्ट टीचर्स वर्किंग हैं। मॉर्निंग स्कूल हो चाहे कोएड हो चाहे इवनिंग हो, टोटली 16,000 के समथिंग फीमेल साथी हैं और उनमें 6,000 प्लस मेल साथी हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे तिगुने के आसपास में फीमेल साथी हैं। और अगर आप चाहते हैं सैलरी बढ़ना, आप चाहते हैं पॉलिसी बने, आप चाहते हैं रिलीफ साथी वापस आए, तो भैया पुरुषों को साथ में लेकर के नहीं, बल्कि इस बार महिलाओं को, फीमेल साथियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि 16,000 हैं। 16,000 अगर फीमेल साथी आगे आ गए तो उन्हें मेल साथियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल साथी आगे आएँ तो मेल साथी उनका साथ ना दें, लेकिन सैलरी तभी बढ़ेगी, पॉलिसी तभी बनेगी, रिलीव्ड साथी दोबारा से स्कूल में तभी आएंगे जब 16,000 फीमेल गेस्ट टीचर्स एक्टिव होंगे। और भैया आसानी से न सैलरी बढ़ेगी, आसानी से न पॉलिसी मिलेगी, आसानी से रिलीव्ड गेस्ट टीचर्स को दोबारा से जॉब नहीं मिलने वाली है। आपको अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और आगे आना ही पड़ेगा। बाकी आपका क्या लगता है, क्या राय है, क्या सजेशन है, आप कमेंट में ज़रूर रखिए। लेकिन इस वीडियो को सभी 16,000 फीमेल गेस्ट टीचर साथियों तक तो शेयर करना ही करना है, साथ में जो 6,000 मेल साथी है उन्हें तक भी शेयर करना है, क्योंकि अब अगर घर बैठे रह गए तो फिर हमेशा के लिए घर बिठा दिए जाओगे। पूरी तैयारी लगभग फिट है और नई भर्ती आने वाली है, उसमें सारे के सारे गेस्ट टीचर्स, क्या नया क्या पुराना, सारे के सारे घर बैठने वाले हैं। तो भैया अभी घर से निकलोगे, अभी अगर अपनी आवाज़ उठाओगे, अपनी डिमांड रखोगे, तो नौकरी बची रहेगी, अदरवाइज हमेशा के लिए घर बैठ जाओगे। ये बात मैं आज कह रहा हूँ और ये बहुत जल्दी सही होने वाला है। अगर आप रियली पॉलिसी की डिमांड करना चाहते हैं, रियली चाहते हैं कि सैलरी बढ़नी चाहिए, रियली उन साथियों के सपोर्ट में हैं जो रिलीव्ड हो चुके हैं और वो दोबारा से जॉब में आए, तो आपको 16,000 को एक्टिव होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिना कुछ किए सैलरी नहीं बढ़ेगी, बिना कुछ किए पॉलिसी तो कभी भी नहीं बनेगी। और जितना मर्जी माथापच्ची कर लो, एक बार रिलीव्ड साथी दोबारा वापस नहीं आया है। बस अगर एकजुट होकर के आप आवाज़ उठा सको, सब कुछ मिलेगा। बाकी अपनी राय जरूर रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना। धन्यवाद।